हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सिंपल येट गॉर्जियस वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। वेडिंग सीजन इज ऑलरेडी हियर और वेडिंग सीजन के लिए मुझे आप लोगों के साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करना था। ये बहुत ही सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है एंड कैन बी क्रिएटेड जस्ट अंडर ₹500। ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव परचेज फ्रॉम अमेजन, सो आप अमेजन से इन प्रोडक्ट्स को ईजिली परचेज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो एट अ डिस्काउंटेड रेट। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, बिगिनर फ्रेंडली और एक ईजी सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल है। अगर आपको ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है देन आप इस तरीके के मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द गो है, बहुत ईजी है क्रिएट करना, येट लुक्स वेरी क्लासी एंड ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी इफर्ट एंड टाइम इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में इन्वेस्ट किया है। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। मेरी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो सबसे पहले मैंने बायोडर्मा का ये क्रीम इस्तेमाल किया है। इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। एक्वालॉजिका ड्यूई प्लस सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक सनस्क्रीन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर अगर आप चाहते हैं कोई लाइट सनस्क्रीन जो कि हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करे, जस्ट गो फॉर इट। स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, बस थोड़ा सा अप्लाई करना है बिकॉज इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट भी है, ईजिली ड्राई हो जाता है, तो तुरंत आपको इसे ब्लेंड करना है। मैं यहाँ पर एक डैम्प ब्यूटी स्पंज इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे मैं डैब कर रही हूँ इस तरीके से और ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। मैंने पहले कंसीलर अप्लाई किया है, उसके बाद मैं अपने फेस पर फाउंडेशन इस्तेमाल करूँगी ताकि जो मेरा फेस है ना वो एकदम ईवन लगे। फाउंडेशन के लिए आई हैव यूज दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यू डॉट्स। में मैंने ऑल ओवर फेस पर इस फाउंडेशन को पहले अप्लाई किया है, उसके बाद मैं डैम्प ब्यूटी स्पंज से उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आपको डैप करना है इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड द ग्लो बहुत ही अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है क्योंकि मैंने स्किन प्रेप काफ़ी अच्छे से किया था। आप चाहते हैं तो अपने नेक पर भी इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत नेक पर अप्लाई किया है एंड यू ऑल कैन सी हाउ नेचुरल माय बेस इज लुकिंग। मेबलिन फिट मी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर मैं सिर्फ अपने अंडर आइज को सेट करूंगी क्योंकि विंटर सीजन है एंड माई स्किन इज ऑलरेडी ड्राई। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपने फेस पर या अपने ऑयली रीजन्स पर इस कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हैं। ब्लू हेवन का ब्राउ डिफाइनर इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्राउ पेंसिल्स, उससे मैं अपने आईब्रोज को नेचुरल शेप में ही फिल इन कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड पैलेट और इससे जो डार्क ब्राउन शेड है उससे मैं कॉन्टूर करूँगी अपनी जॉ लाइन को और अच्छी तरीके से उसे मैं इस एंगुलर ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन न रहे। उसके बाद मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक पर भी इसे अप्लाई करूँगी ताकि फेस काफ़ी स्कल्प्टेड लगे एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नोज को भी मैंने थोड़ा बहुत कॉन्टूर किया है सेम शेड को लेकर। इनसाइड का जो लिप इंक है इसमें बहुत सारे प्रिटी शेड अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसे चीक्स पर एज अ ब्लश अप्लाई किया है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड नेचुरल। ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसे डैब करते हुए ब्लेंड किया है तो काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है और जो एक्सेस पिगमेंटेशन है वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है। नेक्स्ट मैंने हाइलाइटर के लिए इस्तेमाल किया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। ये बहुत ही खूबसूरत एक हाइलाइटर है, सिर्फ अपने चीक बोन्स पर ही अप्लाई करूंगी और अपने ब्राउ बोन पर क्योंकि ऑल ओवर फेस पर एक सटल सा ग्लो है क्योंकि मैंने स्किन प्रेप काफ़ी अच्छे से किया था, दैट्स वाई। नेक्स्ट मैंने सेम आई शेडो पैलेट लिया है और जो ट्रांजिशन शेड है उसे मैं अपने ओ होल आईलेट पर अप्लाई करूंगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करते ही आप लोग देख सकते हैं जो क्रीजेस थे ना वो बिल्कुल ब्लेंड हो गया अच्छी तरीके से। जो डार्क ब्राउन शेड है उसे मैं सिर्फ अपने लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी एंड उसे मैं ट्रांजिशन शेड के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी एंड दैट्स इट। बस इतना ही आई मेकअप है एंड आपका जो आईज है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये बहुत ही ईजी एक आई मेकअप लुक है। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है ब्लू हेवन एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा। अगर आप चाहते हैं तो फॉल्सीज अप्लाई कर सकते हैं बट मेरे आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एंड मुझे फॉल्सीज लगाना पसंद नहीं है तो मैंने फॉल्सीज नहीं लगाई है। उसके बाद इनसाइड का ये ब्राउन शेड मैंने अप्लाई किया है अपने लिप्स पर क्योंकि ये काफ़ी कूल टोन्ड एक मेकअप लुक है, तो अगर आप चाहते हैं तो कोई पिंक शेड भी अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने एक ब्लैक बिंदी अप्लाई किया है।
सो दिस इज बेसिकली अ स्मार्ट मेकअप लुक. अगर आप चाहते हैं तो इसे डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं. आप अपने हिसाब से इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं. जैसे मेरा जो आउटफिट था वो थोड़ा इंडो वेस्टर्न था, तो मैंने उसे उसके हिसाब से ही मेकअप लुक डिसाइड किया है. आप चाहते हैं तो आई लाइनर ऐड कर सकते, काजल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. सो आई होप ये मेकअप लुक आप सबको अच्छा लगा. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये मेकअप लुक आप सबको अच्छा लगा. अगर इसी तरीके का मेकअप लुक्स आप देखना चाहते हैं देन डेफिनेटली नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन सा मेकअप लुक आप देखना चाहते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.